प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम फिर कक्षा 11 विषय गणित के अंतर्गत समांतर श्रेणी की चर्चा करेंगे। अब देखिए, एपी का यनवा पद यहाँ पर 3n-5 दिया हुआ है कि यदि समांतर श्रेणी का यनवा पद 3n-5 है, उस श्रेणी को ज्ञात कीजिए कि उस श्रेणी को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो जब भी समांतर श्रेणी का यनवा पद दिया रहता है तो हम जानते हैं कि यनवा पद को हम an से दिखाते हैं, तो यह an बराबर यह हो जाएगा 3n-5। अब इस an में n के स्थान पर एक दो तीन डॉट डॉट रखने पर, जब हम n के स्थान पर एक रखेंगे तो यह a1 हो जाएगा, तो a1 बराबर यह हो जाएगा आपका 3×1-5 बराबर यह हो जाएगा 3×5 बराबर -2। a2 बराबर यह हो जाएगा आपका 3×2×5 बराबर यह हो जाएगा 6×5=1। a3 बराबर यह हो जाएगा आपका 3×3×5=9×5=4 और डॉट डॉट। इसी तरह हम और आगे के पद ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे, इसलिए समांतर श्रेणी यहां पर हो जाएगी -2×1×4 डॉट डॉट। तो इस तरह जो है हम समांतर श्रेणी को ज्ञात करते हैं, जब समांतर श्रेणी का यनवा पद दिया रहता है तब। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी तरह मान लीजिए कि एपी का यनवा पद 5n-2 दिया है कि समांतर श्रेणी का यनवा पद 5n-2 है, तो सातवां पद ज्ञात करना है कि सातवां पद क्या होगा। तो सातवां पद ज्ञात करने के लिए इस यनवे पद में n के स्थान पर हम 7 रख देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 5×7×2 बराबर यह हो जाएगा आपका 35×2=33। 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद इसका हो जाएगा 5×11×2, यह हो जाएगा आपका 55×2=, यह हो जाएगा 53। उसी तरफ 20वां पद ज्ञात करना हो तो 20वां पद इसका हो जाएगा 5×20×2=, यह 20×25=100 और -2, 100 में से 2 को घटा देंगे तो आ जाएगा 98। तो इस तरह यदि समांतर श्रेणी का यनवा पद दिया हुआ है तो इसके माध्यम से उस श्रेणी के अन्य पदों को ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि समांतर श्रेणी का एक श्रेणी दिया हुआ है जिसके पद हैं 21, 18, 15 डॉट डॉट। अब यहां पर ज्ञात करना है कि एपी का कौन सा पद जो है -81 है। इसके लिए देखिए, अब मान लेंगे यहां पर कि माना एपी का यनवा पद -81 है, इसलिए यहां पर
एन बराबर यह हो जाएगा आपका ऋण 81, ए बराबर यह हो जाएगा यानी पहला पद है 21, डी यानी सार्वांतर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 18 ऋण 21 बराबर ऋण 3। और एन हमें ज्ञात करना है कि एन का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन बराबर यह होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस सूत्र में ए एन के स्थान पर हम ऋण 81 लिख देंगे, ए के स्थान पर 21, अब प्लस यह हो जाएगा एन माइनस वन, डी के स्थान पर जो है ऋण 3 रख देंगे। अब यह हो जाएगा ऋण 81 बराबर यह 21 और ऋण 3 का इसमें जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा ऋण 3 एन और यह धन 3 हो जाएगा। फिर यह हो जाएगा ऋण 81 बराबर 21 और 3 मिलकर यह हो जाएगा आपका 24 ऋण 3 एन। अब इस ऋण 3 एन को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 3 एन बराबर यह 24 और ऋण 81 इधर चला जाएगा तो यह जो है धन 81 हो जाएगा। अब 3 एन बराबर यह हो जाएगा आपका 105, यानी 24 और 81 को आपस में जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। तो एन बराबर यह हो जाएगा आपका 105 बटे 3, एन बराबर यह हो जाएगा आपका 3 × 9 = 3×5=15। तो एन का मान जो है यहां पर 35 आ गया, तो हम कहेंगे इसलिए एपी का 35वां पद ऋण 81 होगा। ऐसे ज्ञात करेंगे कि यदि कोई श्रेणी दिया हो और पूछ रहा हो कि उसमें यह संख्या किस नंबर पे यानी किस पद पर होगी, तो इस तरह इसको हल करेंगे। श्रेणी के माध्यम से ए का मान ज्ञात करेंगे और सार्वांतर ज्ञात कर लेंगे। जिसको पूछता है वह ए एन के बराबर होता है और हम ए एन का मान ज्ञात करते हैं। सूत्र में ए एन ए और डी का मान रख देते हैं जिससे एन का मान निकल जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 और उसका 7वां पद 9 है तो वह श्रेणी बताइए कि वह कौन सी समांतर श्रेणी है। इसके लिए देखिए अब मान लेंगे यहां पर कि माना श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद को ए मान लेते हैं तथा सार्वांतर, अब जो सार्वांतर होता है उसे डी से दिखाते हैं, इसलिए अब तीसरा पद, तो तीसरा पद का मतलब यह हो जाएगा ए थ्री, तो ए थ्री बराबर यह हो जाएगा आपका ए प्लस टू डी। अब ए प्लस टू डी कैसे हुआ है, तो ए एन बराबर यह होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसके माध्यम से जब एन के स्थान पर यह तीसरा पद दिया हुआ है तो एन के स्थान पर जब हम 3 रखेंगे तो यह ए प्लस टू डी हो जाएगा। तो ए थ्री बराबर यह हो जाएगा ए प्लस टू डी और यह जो है इसका मान 5 के बराबर है। और सातवां पद ए सेवन बराबर यह हो जाएगा ए प्लस सिक्स डी और यह जो है 9 के बराबर है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जब हम घटाएंगे तो यह a से 1 कट जाएगा और 2d में से जब 6d को घटाएंगे तो यह -4d आ जाएगा।
और इधर पांच में से नौ को घटाएंगे तो इधर ऋण चार हो जाएगा, माइनस से यह माइनस कट जाएगा, d बराबर हो जाएगा चार बटे चार, d बराबर यह हो जाएगा एक। अब इस d के मान को रखकर a का मान ज्ञात कर लेंगे, तो d का मान समीकरण एक में रखने पर, अब जब एक में रखेंगे तो यह है आपका a प्लस टू डी बराबर पांच, डी का मान एक है तो यह हो जाएगा a धन, d के स्थान पर एक रखेंगे तो यह दो हो जाएगा बराबर पांच, तो a बराबर यह हो जाएगा पांच ऋण दो, a बराबर यह हो गया तीन। तो इस प्रकार दो समीकरण बनाकर हम उसे हल करते हैं जिससे a और d का मान ज्ञात कर लेते हैं, तब उसके बाद श्रेणी हो जाएगी आपकी, यानी यह ap हो जाता है a प्लस डी a प्लस टू डी डॉट डॉट, और इसमें फिर मान रख देते हैं तो a के स्थान पर तीन, एक इसमें जोड़ेंगे तो फिर चार पांच छह डॉट डॉट, तो इस तरह जो है हम समांतर श्रेणी ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम मिलते हैं, धन्यवाद।